कन्वेंशनल फॉर्मूला एम वन एल टू टी माइनस थ्री रिप्रेजेंट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट फोर्स पावर एनर्जी वर्क। देखो ये क्वेश्चन जो है इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। क्यों? आप आंख बंद करके पावर बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि फोर्स के डायमेंशंस हमने बहुत बार यूज किए हैं अब तक, तो फोर्स के डायमेंशंस आपको अभी याद हो जाने चाहिए। एम वन एल वन टी माइनस टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एनर्जी और वर्क मैंने आपको बताया था कि दोनों सेम ही क्वांटिटी है, तो एनर्जी और वर्क दोनों के ही डायमेंशंस जो आएंगे वो सेम ही आएंगे। सो एनर्जी के डायमेंशंस और वर्क के डायमेंशंस, दोनों एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं, दैट इज एम वन एल टू टी माइनस टू। तो जो हमको क्वेश्चन में डायमेंशंस दिए हैं वो डायमेंशन ना फोर्स के है, ना एनर्जी के है, ना वर्क के, तो बचा पावर, खत्म। लेकिन इफ यू वांट वी कैन स्टिल प्रूव दैट पावर पी बाय डेफिनेशन इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, तो पावर मतलब ये वर्क अपॉन टाइम ही होता है, तो पावर के डायमेंशंस होते हैं वर्क के डायमेंशंस अपॉन टाइम के डायमेंशंस। तो वर्क के डायमेंशंस आपके पास है एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन टाइम है टी रेस टू वन। तो ये टी रेस टू वन ऊपर जाएगा तो आपको मिल जाएगा, पावर के डायमेंशंस आपको मिल जाएंगे एम वन एल टू टी माइनस थ्री। है क्या? यस, यही तो दिया हुआ था, तो दिस इज व्हाट यू हैव। सिंपल।